गैस अभी बज रहे रात के 9 और अमन का फ्रेंड भी आ गया। दे आर फ्रेंड्स इन कॉलेज, तो ऐसे बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए आपको भी मिलवा देते हैं। पार्टी चल रही है, पार्टी पार्टी हो रही है हमारी। पार्टी, पार्टी। कितने सालों बाद मिले हो तुम लोग? कितने साल बाद मिल रहे हैं? बीन मोर देन 6 इयर्स। सीरियसली? तो नहीं, 2021 6 इयर्स तो हम मिले थे 2021, 6 साल पहले तो हम मिले थे। उसने फटाफट फटाफट करा। अब मैं वहां फ्लाइट पे, वहां लोग देख रहे कैसा भाग रहा हूँ, बेल्ट भी पहन रहा हूँ, भाग नहीं रहा कुत्ते की तरह। और उधर नीचे जाके भाई बस जो नहीं होती ऐसे वाली स्टेयर होती है उस पर 3 कूद कूद के जा रहा हूँ भागा हुआ। फिर वहां पे खड़ा होगा, मैंने कहा सर 5 मिनट बजे थे गिनती के, ठीक है? कह रहे सर बस आ रही है, कह रहा वो मेरे को डांट रहा है, कह रहा अरे भैया ऐसे तुम होते ये वो। मैंने कहा भाई तू जान दे पहले अभी, फिलहाल तू कर क्या करना है? कह रहा बस आ रही है, रुको बस आ रही है। इतनी बड़ी सी उसके बाद मतलब गिन रहा था ना, सेकंड सेकंड मतलब सेकंड सेकंड गिन रहा था, 3 मिनट भी नहीं बचे थे। मतलब मैं घुसा बस में गया वहां से, मतलब पूरा टाइम हो गया था, मतलब ठीक है उस फ्लाइट को मैंने 5 मिनट डिले हुई मेरी वजह से उड़ने में, ठीक है? फिर जब मैं घुसा ना उसमें अंदर, भाई उन्होंने जो सट करके पीछे से हटाया वो और पीछे से वो मेरे पीछे बंद हुआ है वो पूरा, मतलब जैसे अंदर इन हुआ ना वो ऐसे खड़ा था कि बस इसको अंदर ला लो, बंद हुआ, लोग ऐसे देख रहे मेरी शक्ल वहां पे भाई साहब की, ये बंदे की वजह से साला वो खुंदक नाक के वाला लोग गालियां दे रहे हैं अंदर अंदर से, साफ समझ में आ रहा है। ठीक है गया हुआ डाला भाई साहब, जो 15 मिनट तक तो मैंने आंख ही नहीं खोल पाया, इतना रिलैक्स हूँ मैं, जांच का बोला मेरे को पता नहीं लगा, इतना हौज पौज मतलब वो सबसे गंदा हुआ था। मतलब मैं इतना था, मतलब कोई दूसरा बंदा होता ना वो छोड़ देता, वो वापस चले जाता घर। मतलब D3 में चले गया, अरे आपकी फ्लाइट तो वहां है और दिल्ली। मैंने कहा मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता चल लिखा था, वो कह रहा है अरे ऐसे कैसे होता है, ये होता है। मैंने कहा करना क्या है यार ये बता तो सुना मत मेरे को, ठीक है? वो अलग से बस आ रही आवाज से करो बस लेके जा रहा मुझे वहां से भाई। हेलो बताओ 2 बजे खिला रहे हैं। देखिए इस शख्स को 2 बजे ही अपने दोस्त को खा ब्रेकफास्ट, मतलब लंच के टाइम पे ये ब्रेकफास्ट करवा रहा है। व्हाट ब्रंच? अच्छा ब्रंच है। सुनो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्यों तुम उसको इतना लेट जो करवा रहे हो? और क्या हो गया? और ओट्स अलग जला रहा है, हल्का पानी मिलाना था इसमें। पिंक पोहा हाँ लिखा हुआ है, क्या चाहिए? ओके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में ब्लू कलर से पिंक। क्या बना रहे हो अपने स्पेशल? वेज ऑमलेट, पिज्जा ऑमलेट। पी ठंडे हमारे घर में पूरा कोजी बनाया हुआ हमने। क्या बनाया स्पेशल? क्या बनाया गया? बनाया, देखो कैसा बनता है। अच्छा ही होगा, बथुए का रायता। वाह, अभी तो पूरा नहीं बना है, बहुत चीजें अभी इसमें होनी है, तड़का लगना बाकी है। अच्छा बट कलर बहुत सुंदर आया। So guys, let me show you what we have got for Kiki. So this is dry shampoo from Captain Zag and मैंने एक हिमालया का भी यूज़ किया हुआ है, वो भी है हमारे पास, तो मैंने सोचा इस बार कैप्टन जैक का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है विंटर्स में बिकॉज डॉग्स को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, हमारे घर में तो धूप भी नहीं आती, सो दिस इज़ क्वाइट बेटर ऑप्शन। एंड साथ में एक रेड स्वेटर भी लिया था कीकी के लिए बिकॉज इट वॉज गिविंग अ क्रिसमस वाइब्स, तो मैंने सोचा कि इसके साथ थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह हम लोग कर लेंगे, तो इसे रेड शर्ट पहना के देखते हैं एंड काफ़ी क्यूट भी लगेगी। सो गाइज आपको मैं दिखाती हूँ कीकी के कपड़े का कलेक्शन। एक तो ये स्टार वॉर्स है जो अभी पहनाएंगे, सब मैंने धो के रखा है, पुराने इसके आपके पेट्स का कपड़ा टाइट हो जाए ना तो आप किसी डॉग एनजीओ में आप उसको डोनेट कर सकते हैं। और ये क्या है भाई? ट्रीट है। टर्टल। ओह माय गॉड बाबू तुम कछुआ खाओगे?
पर ये इसलिए लिया बिकॉज में चिकन एंड पीनट बटर है राइट ये दिखाना स्पिन मेरे को पहले दिखाओ टर्टल्स विद चिकन एंड पीनट बटर तो किकी को पीनट बटर पसंद है और चिकन तो फेवरेट होता ही है स्पिन दे दो खुद खोल अब ये खाएंगे खा रही है ओ वाओ किकी लव्स इट खा लो बाबू ईट इट दिखाती हूँ आपको एक स्वेटर ये है किकी का बड़ा ही क्यूट तो जैसा मैं अभी रेड लेके आई हूँ सेम बिल्कुल ऐसे ही है फ्रॉम द सेम ब्रांड पेटाहोलिक ये आपको किसी भी पेट स्टोर में मिल जाएगा तो एक ये है बट ये मैडम क्रेच गई थी पूरा फड़वा के आई है तो तीन होल ऊपर है एक होल नीचे है तो ये जब क्रेच जाएगी तभी हम इसको पहनाएंगे तो ये हमने क्रेच के लिए रख दिया है और एक दिखाना अमन दिखाना जरा बाहर कबूतर आया आने दो बस ठीक है एक ये है इस पे लिखा है स्पॉन्ज डॉग ये मतलब स्वेटर नहीं है थोड़ा सा वार्म वाला टी शर्ट है बट ये भी फटा हुआ है कोई ना कोई पेट के साथ हो जाता है फिर एक ये है ये सब मैंने धो के रखा हुआ है मैंने भर भर के बाल इफ माई डॉग डजेंट लाइक यू देन नो दो नो और गाइज ये बहुत ही अच्छा मेरा फेवरेट एकदम आपको ऐसा लगेगा ह्यूमन का जैकेट है तो ये लास्ट ईयर लिया था हमने और रिवर्सिबल है मतलब पिंक भी पहना सकते हो ब्लू भी पहना सकते हो तो दिस इज फ्रॉम आई गेस हेड्स अप फॉर टेल्स लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किकी को छोटा हो गया है लेकिन है बहुत क्यूट और गाइज सिक्स्थ वाला स्वेटर ये किकी का ये बिल्कुल लगता है इंसान का ये भी न्यू है बट ये हमने वॉक के टाइम ही इसको पहनाते हैं वॉक के बाद दूसरा पहनाते हैं तो ये रहा इनका स्वेटर का कलेक्शन ट्रीट खा चुकी है पानी पी ली पी लो बाबू पी लो पानी पी लो सो गाइज हम लोग निकल गए मस्त लंच करके घर के खाने की बात ही अलग होती है भाई सेटिस्फेक्शन इतना कंप्लीट किसी खाने में नहीं मिलता है सो गाइज मेक श्योर दैट आप घर का खाना खाएं सबसे ज्यादा We are in D-Mart. नोएडा में खुल गया हमारा D-Mart. कहाँ होता था हमें मुंबई में ना सबसे ज्यादा बहुत गया हूँ मुंबई में हाँ महाराष्ट्र में साउथ में बेसिकली इसकी चेन है एंड फाइनली अब यहाँ दिल्ली NCR में भी खुल गया है आपको ले चलते हैं अभी अंदर D-Mart की स्पेशलिटी क्या है कि काफी अफोर्डेबल चीजें मिलती है ना और ऑफर्स अच्छे रहते हैं Thank you.
सेटअप हो ही रहा है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे? बाबू चलिए आप इधर जाइए, यहाँ बैठिए अपने सोफा पे, यहाँ हमें शूट करना है। कीकी कीकी शूट करना है हमें यहाँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं जिम से निकल के आ रही हूँ, मेरे साथ कोई और है, स्वाति से हाय। हे हेलो। हम दोनों गए थे, दोनों पड़ोसियों बहन मिलके जिम गए थे, हमने सोचा जिम की थोड़ी शुरुआत कर ली जाए। जल्दी से पतली होने वाली है एकदम स्लिम फ्रेम। हाँ गाइस बहुत वेट पुट ऑन कर लिया 5-6 किलो, तो उसको तो शेड करना है। एंड थैंक्स टू स्वाति, ये जिम सीरियसली बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ट्रेनर बहुत अच्छे हैं हमारे। सो चलते हम घर।